चलिए आज इस वीडियो में आपको बताता हूं कि 1000 या उससे ज्यादा की टीम कैसे बनाई जाती है। देखो, जब आप रिक्रूटमेंट करना शुरू करते हो ना, जब आप बिजनेस शुरू करते हो, तो आपको ना ये क्लैरिटी नहीं होती कि आपको एक्चुअल में टीम चाहिए कितनी। यानी कि आपको ये तो पता है कि रिक्रूटमेंट करनी है, आपको ये भी पता है कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी कि ये हमेशा चलती रहेगी, लेकिन आपको कभी भी ये क्लैरिटी नहीं हो पाती कि मुझे रिक्रूटमेंट आखिर करनी कितनी चाहिए। आपका एक गोल फिक्स्ड नहीं होता, तो जब आपको ये चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती ना, तो फिर आप बस तुक्के लगाते रहते हो। आपको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि आपको करना क्या है, कि किस रास्ते पे चलना है आपको। तो अगर आप 1000 या उससे ज़्यादा की टीम बनाना चाहते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको खुद को कितनी रिक्रूटमेंट करनी है, यानी कि आपके डायरेक्ट में आपको कितने लोग रिक्रूट करने हैं। जब आपको ये क्लैरिटी हो जाती है ना, तो फिर आपको यही चीज़ अपनी डाउनलाइन को सिखाने में भी ईजी हो जाता है, और आपको क्लियर कट पता होता है रास्ता कि मैं ये कर रहा हूँ, और ये करने पे मुझे 100% पता है कि मैं अपनी मंजिल पे पहुँचूंगा। आपको वो करना पड़ेगा जो सक्सेसफुल लीडर्स स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने डायरेक्ट में कितनी टीम चाहिए रिक्रूट करनी, कितने ऐसे लोग होंगे जो मैं अपने डायरेक्ट में लगाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप मान के चलते हैं 1000 लोगों की डायरेक्ट टीम रिक्रूट करना चाहो, यानी कि 1000 लोगों की आप टीम बनाना चाहते हो, और आप सोचते हो कि सारे के सारे लोग आप ही को खुद ही रिक्रूट करने पड़ेंगे, और आप उनको डायरेक्ट में लगाएंगे, अपने डायरेक्ट में। ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं कह सकता हूँ कि लगभग इम्पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है भी, यानी कि आप कोई ना कोई स्ट्रेटजी लगा के 1000 लोगों की टीम बना भी लेते हो, तब भी मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि 1000 लोगों की टीम रिक्रूट करना तो शायद पॉसिबल है, लेकिन उसको मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि आप अपने बिजनेस को संभाल ही नहीं पाओगे, आप अपने बिजनेस को कभी ग्रो कर ही नहीं सकते। बात समझ रहे हैं? आप सोचो कि आपके पास 1000 लोगों की डायरेक्ट टीम आ गई, आपने कैसे भी रिक्रूट कर ही लिया उसको, भाई संभालोगे कैसे? एक बंदे को अगर आप बात करते हो डायरेक्टली, टेलीफोनिकली भी बात करते हो, या उसको डेली आपको गाइड करना है, तो काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो 1000 लोगों को कैसे आप डायरेक्टली मैनेज करोगे? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स या प्रेजेंटेशन के थ्रू आप अपने लोगों को ग्रो नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं उनको पर्सनल टच भी चाहिए होता है। 1000 लोग अगर आपसे डायरेक्ट क्वेरीज ही करना शुरू कर दें, क्योंकि हर बंदे को कोई ना कोई डेली बिजनेस करते वक्त, डेवलप करते वक्त कोई ना कोई दिक्कत तो आ ही सकती है ना, कोई ना कोई चैलेंज आ सकता है, कोई ना कोई क्वेश्चन उसके माइंड में आ सकता है, तो सारे के सारे बंदे अगर आपसे पूछना शुरू कर दें, इज इट पॉसिबल कि आप उसको रिप्लाई भी कर पाओगे, उनकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाओगे, रिप्लाई कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, है ना। और इतने लोगों को डायरेक्टली आप ट्रेंड भी नहीं कर सकते, तो फिर करना क्या है? अगेन वही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डायरेक्ट में कितने लोग रिक्रूट करने हैं। वो 1000 तो नहीं है, अगर आपको 1000 लोगों की टीम बनानी है तो 1000 तो नहीं है। आपको एक नंबर चूज करना है जो बड़ा इजी सा हो, क्योंकि रिक्रूटमेंट करनी आपको भी पता है टफ होती है, आपने ज़रूर फील किया होगा, खास करके जिनकी स्किल्स अभी डेवलप नहीं हुई, नए आए हैं इस बिजनेस में, उनके लिए तो रिक्रूटमेंट जो टफ बहुत ज़्यादा होती है। कईयों को तो ये लगता है कि यार शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा रिक्रूटमेंट। तो आपको इसको ना, सिस्टम को बड़ा सिंपल बनाना है, और नंबर वो चूज़ करना है जो बड़ा ईजी हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप सिर्फ ये सोचो कि 10 लोगों की टीम मेरे को डायरेक्ट में रिक्रूट करनी है, मुझे बहुत सारे लोगों की टीम रिक्रूट नहीं करनी है, मुझे सिर्फ 10 लोगों की डायरेक्ट में टीम रिक्रूट करनी है। अब मेरे को ये बताओ कि 10 लोगों की टीम रिक्रूट करना, अगर आप रियली सिंसियरली एफर्ट्स करोगे और सीख के करोगे, तो चलो मान के चलते हैं आप कुछ दिनों में नहीं, कुछ हफ्तों में नहीं, आने वाले कुछ महीनों में तो रिक्रूट कर ही सकते हो ना, 2-3-4-5 महीनों में आप डायरेक्ट में 10 लोग रिक्रूट कर सकते हो, येस और नो? अगर आपका आंसर नो है, तो आपको अभी और ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि आपका आंसर येस होएगा कि 10 लोगों की कुछ महीनों के अंदर अंदर तो कोई भी बना लेगा टीम। अब भाई साहब, आपने वो 10 बंदों की जो टीम बनाई ना, उनके ऊपर फोकस करना है, उनको ट्रेंड करने में कि कैसे वो फर्दर लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, कैसे वो ट्रेंड कर सकते हैं, कैसे उनको डेवलप कर सकते हैं, और उनको भी यही सिखाना है आपने कि वो भी फर्दर 10-10 लोगों की टीम बनाएंगे, 10-10 लोगों की। इसका फायदा क्या होएगा? आप बड़े आराम से उन लोगों को अब हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप अपने सिर्फ 10 लोगों को हैंडल कर रहे हो, उनको गाइड कर रहे हो, उनको ट्रेंड कर रहे हो। अब आपके जो 10 लोग हैं जो ट्रेंड हो जाएंगे ना, वो फर्दर आगे 10-10 लोगों को वो सेम चीज करोगे, और बड़े आराम से हर बंदा 10 लोगों को तो हैंडल कर ही सकता है ना।
लेकिन हजार को नहीं कर सकता है। अब 10 बंदों को आप हैंडल कर रहे हो और 10-10 लोग आपके फर्दर उन्होंने रिक्रूट किए उनको हैंडल कर रहे हैं, तो ये हो जाते हैं 100 लोगों की टीम। और सेम 100 लोग अब ट्रेंड हो गए बड़े इजली, क्योंकि हर कोई बंदा सिर्फ 10-10 को कर रहा है, तो वो फर्दर 100 लोग भी 10-10 लोगों को रिक्रूट करेंगे और ट्रेंड करेंगे, तो बड़े आराम से आप 1000 लोगों की टीम बना सकते हो। और यही करते हैं जी सक्सेसफुल लीडर्स, यही करते हैं। बजाय कि आप डायरेक्ट 1000 लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करो, ट्रेंड करने की कोशिश करो, आपने 10, 10 और 10 इस फॉर्मूले के साथ चलना है। यानी कि 10 आपने, 10 फर्दर वो 10-10 रिक्रूटेड पीपल, और वो जो 100 रिक्रूट हो जाएंगे लोग, वो फर्दर 10-10 लोगों को रिक्रूट करेंगे, हैंडल करेंगे। दिस इज वेरी सिंपल अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ चलते हो। और अगर उसके ऊपर आपका लीडर जो है वो प्रेजेंटेशंस करता है, वो करते हैं जी लाइव ट्रेनिंग्स करते हैं ऑनलाइन, तो उन 1000 लोगों को इकट्ठा अब ट्रेंड करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। और हर कोई बंदा सिर्फ अपने 10-10 लोगों को हैंडल भी कर रहा है, ट्रेंड भी कर रहा है, और उनकी क्वेरीज भी बड़े आराम से सॉल्व कर पाएगा। बात समझ रहे हैं? तो दिस इज द वे। इसको और ज़्यादा ईजी भी कर सकते हो, और ज़्यादा ईजिली समझ भी सकते हो, और इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। आप कहोगे यार 1000 बंदे रिक्रूट तो हो गए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 1000 का 1000 बंदा काम भी करे, एक्टिव भी हो, क्योंकि टीम तो उन्हीं लोगों की बनाने का फायदा ना जो 1000 के 1000 लोग काम करें। तो इसको और ज़्यादा इजी भी करके देखते हैं। आप 10 को छोड़ो, 5 लोगों को कर सकते हो। 10 लोगों को डायरेक्ट में अगर रिक्रूट नहीं भी कर सकते तो 5 को तो कर ही सकते हो ना। आई एम श्योर कि आप कहोगे कि यस 5 को तो किया जा सकता है, एटलीस्ट सीखने के बाद अच्छे से एफर्ट्स करने से 5 लोग तो आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप रिक्रूट कर ही सकते हो। अब भाई साहब सेम चीज़ आप फर्दर सिखाओ अपने उन 5 लोगों को, तो आपकी टीम बनती है 5x5। आप 5 को आपने रिक्रूट किया, उन्होंने भी फर्दर 5-5 लोगों को रिक्रूट किया, ये हो जाती है 25 लोगों की टीम। अब जब वो 25 लोग फर्दर 5-5 लोगों को रिक्रूट करेंगे तो वो बन जाती है टीम आपकी 625 की। और जब वो फर्दर 625 लोगों की टीम आने वाले कुछ महीनों के अंदर सिर्फ 5-5 लोगों को, हर बंदा सिर्फ 5 लोगों को रिक्रूट कर रहा है, तो आपकी टीम बन जाती है जी 3125 लोगों की टीम, यानी कि 3125 लोगों की टीम। अब हर कोई सिर्फ 5-5 लोगों को डील कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, हैंडल कर रहा है, उनकी क्वेरी सॉल्व कर रहा है, लेकिन ये काम कितने ईजिली इतने लोगों तक पहुंच गया कि आपके अंदर 1000 की छोड़ो 3125 लोगों की टीम भी बन गई। अब उसमें से भी मैं कहूंगा कि लेट से बहुत सारे लोग काम नहीं भी कर रहे, उतना एक्टिवली नहीं कर रहे, क्योंकि जरूरी नहीं जिस बंदे को आपने रिक्रूट कर लिया वो 100% आपके साथ काम करेगा करेगा, लेकिन वो 3125 लोगों में से अगर आप देखोगे तो 1000 लोग तो आपको बड़े आराम से यार मिल ही जाएंगे। 33% से भी कम लोग, मैं कह रहा हूँ, हालांकि ये रेशियो ज़्यादा होना चाहिए अगर आप सही से सिस्टमेटिकली चल रहे हैं तो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ सिर्फ 1000 लोग ही आपको चाहिए थे, और बड़े आराम से आपने रिक्रूट भी कर लिए और बड़े आराम से आपने उन सभी को हैंडल भी कर लिया। बात समझ रहे हैं? इसको अगर वीडियो को अच्छे से समझेंगे और जो मैंने बताया है उसको सही से खुद पेपर पर लिख के देखेंगे और इसका प्लान करेंगे, सही से एफर्ट्स करेंगे, तो बहुत जल्दी आप भी अपने लिए एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल टीम बना सकते हैं। तो ये है जी सिंपल स्ट्रेटजी, अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो यू विल डेफिनेटली गोना गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी अगेन बहुत बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। बाय।